हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राची ब्लॉग इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फ्राई फिश बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 kg ये फिश है और इसके लिए मुझे कुछ मसाले चाहिए होते हैं। तो ये मैंने यहाँ लहसुन लिया है, हरा वाला लहसुन भी है और कली वाला लहसुन है, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और यहाँ धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा खटाई है ये खट्टा करने के लिए, और स्वाद अनुसार नमक पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा बेसन हमें मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी मसाले में। ये सब गार्निश के लिए है। इन सभी को हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सर में पीस के। मिक्सर में पीस लेते हैं इसको। मैंने पीस लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं इस बर्तन में। पानी डाल के इसे ले लेते हैं। इसमें डाल लेंगे बेसन, खटाई पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और ये धनिया पाउडर, सारे डाल लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। तवा रख लेते हैं, मैं तवा पे ही फ्राई करूंगी। सरसों का तेल है, गरम होने देते हैं इसको, थोड़ा गर्म हो जाएगा तभी मैं डालूंगी फिश को। अच्छी तरह से इसको कोटेड कर लेंगे, बढ़िया से चारों तरफ से लग जाए मसाले इसमें। तो गर्म हो जाने दीजिए। गर्म हो चुके हैं,
अभी दही डालते हैं। फ्लेम को लो कर दिया है और इसे ढक देते हैं अच्छी तरह से पकने के लिए। खोल के देख लेते हैं। इसे ढक देते हैं। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाएगी। देख लेते हैं अच्छी तरह से सीख चुका है कि नहीं। थोड़ा सा और होने देते हैं। अभी ढक देते हैं। थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा और बना है। अभी दो मिनट और लगेगा इसे पकने में। अभी थोड़ा सा और ढक देते हैं। अब इसे ऑफ कर देते हैं। अभी इसे प्याज के छल्लों से सजा देते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। मेरा फ्राई फिश तैयार है सर्व करने के लिए। आप भी इसी तरह से बनाइए। बहुत आसान है बनाना इसे और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो मेरे पसंद आए तो इसे लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।